सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की जो डेट है वो 24th ऑफ मे है और आज से ठीक 2 महीने पहले लक्ष्मी केमिकल्स का जो IPO है वो लॉन्च हुआ था। मुझे 24 मार्च 2021 को इसके 2 लॉट अलॉट हुए थे। यहाँ पे एक लॉट की जो प्राइस है तकरीबन 14,950 रुपये थी, जिसमें आपको 130 रुपये की शेयर के हिसाब से 115 क्वांटिटी के जो शेयर हैं वो मिलने वाले थे। यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी हो जाती है 14,950 रुपये। अभी जो मेरा पहला अकाउंट है जहाँ पे मुझे इसकी पहली अलॉटमेंट मिली थी, उसका नाम है जीरोदा, और जीरोदा में आपको मैं अपनी होल्डिंग दिखाता हूँ। अभी मुझे आज 2 महीने के बाद में लक्ष्मी केमिकल में 80% का प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं आज भी शेयर तकरीबन 4.5% ऊपर है और 80% का यहाँ पे जो रिटर्न है मुझे ये जो शेयर है 2 महीने में दे चुका है। दूसरा अकाउंट आपको दिखाता हूँ। दूसरा जो मेरा अकाउंट है वो अपस्टॉक्स के साथ में है और यहाँ पे भी मुझे तकरीबन 80% की जो रिटर्न है ये शेयर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 महीने में जो शेयर है 80% ऊपर जा चुका है। यहाँ पे मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी तकरीबन 30,000 रुपये थी और उस पर तकरीबन मुझे 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अभी चलिए इससे भी कमाल की चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये SBI की ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं आप, और ये जो डेटा मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ ये ऑफिशियल डेटा है। अभी देखिए, अगर आप अपनी SBI में एक FD करवाते हैं और उसको तकरीबन 2 महीने तक होल्ड करते हैं तो आपको जो रिटर्न है वो मिलने वाले थे 3.90% के, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको रिटर्न मिलते हैं 4.40% के। अगर उसी FD को आप 1 साल तक होल्ड करते हैं तो आपको 5% के रिटर्न मिलने वाले थे, और सीनियर सिटीजन को तकरीबन 5.50% के जो रिटर्न है वो मिलने वाले थे। अगर बात करें 5 से 10 साल तक की तो तकरीबन आपको 5.40% रिटर्न और सीनियर सिटीजन को 6.20% की जो रिटर्न है वो SBI देने वाले था। और यहाँ पे ये जो शेयर है अकेला लक्ष्मी केमिकल, इसने तकरीबन 2 महीने में 80% रिटर्न दे दिए थे। अभी सोचिए कि आपको उन पैसों को कितने साल तक SBI में होल्ड करना पड़ता इतने रिटर्न्स के लिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।